यह एक लाइव कंप्यूटर क्लास है। मैंने आपको कंप्यूटर की पीटी क्लास में सिखाया था। एडीसी कोर्स का कंप्लीट सिलेबस है। एडीसी कोर्स में क्या क्या होता है और उसके अंदर मैं आप लोगों को क्या क्या सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज ये कंप्यूटर की पहली क्लास है जिसमें मैंने स्टार्ट किया है बेसिक कंप्यूटर कोर्स है। और इसमें मैंने बताया है बेसिक कंप्यूटर में क्या क्या होता है और उसके साथ में मैंने आज आप लोगों को प्रैक्टिकल भी कराया है कि फर्स्ट टाइम जब कंप्यूटर ओपन करते हैं या पहली बार कंप्यूटर सीखते हैं तो आप लोगों को क्या क्या सीखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी कंप्यूटर बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इसके बाद जितनी भी वीडियो आगे आने वाली है, तो फ्रेंड्स आगे से डेली कंप्यूटर क्लास की वीडियो आपको मॉर्निंग में 8 बजे मिल जाएगी। कंप्यूटर की पहली क्लास में क्या क्या होता है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, कल मैंने आप लोगों को बताया था एडीसी कोर्स आपका स्टार्ट है और जिसमें मैंने आपको बताया था कि एडीसी कोर्स में क्या क्या होता है। तो कई लोग आज नए जुड़े हैं, नए लोग भी जुड़े हैं, तो उनको मैं दिखा देता हूँ कि बेसिक कंप्यूटर आज से स्टार्ट होगा और बेसिक कंप्यूटर में क्या क्या होगा। तो कुछ नए लोग हैं जुड़े हैं तो उनको मैं दिखा देता हूँ कि बेसिक कंप्यूटर आज से हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट है। तो 2 मिनट लगेगा, मैं इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। देखिए, बेसिक कंप्यूटर में ये जो कोर्स होता है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, बेसिक कंप्यूटर सीखने के बाद एक कंप्यूटर ऑपरेटर का जो भी काम होता है सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा तो मैंने इसमें कुछ चैप्टर्स बना रखा है। जैसे चैप्टर फर्स्ट में क्या चलेगा, सबसे पहले हमारा पेंट। आज हम सीखेंगे पेंट के बारे में। उसके बाद नोटपैड और इसके बाद हमारा है वर्डपैड। ये हमारा चैप्टर 1 में चलेगा। चैप्टर टू में चलेगा हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल। जो लोग आज नए जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूँ कि आज बेसिक कंप्यूटर कोर्स स्टार्ट है, उसमें क्या क्या होगा तो एक बार समझ लीजिए। यहाँ पर चैप्टर 1 में मैं आपको सिखाऊंगा पेंट, नोटपैड और वर्डपैड। आज हमारा पेंट स्टार्ट होगा प्रैक्टिकल। चैप्टर 2 में चलेगा हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कंप्यूटर इंट्रोडक्शंस। कंप्यूटर फंडामेंटल में क्या होता है कि कंप्यूटर के बारे में बताते हैं, कंप्यूटर इंट्रोडक्शंस, जैसे व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, उसके बाद इनपुट डिवाइस, फिर आपका आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर जनरेशंस। इसमें बताते हैं कंप्यूटर के बारे में, इंट्रोडक्शन चलता है सिर्फ। कंप्यूटर लैंग्वेज, फिर कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कितने टाइप की होती है, इसके बारे में बताते हैं। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो ये हमारा मेन टॉपिक है जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे ETC लगा दिया यहाँ पर। इसके बाद हमारा चैप्टर 3 बेसिक कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इसमें चलता है MS Office। MS Office में सबसे पहला टॉपिक है हमारा MS Word, दूसरा है MS Excel और तीसरा है आपका MS PowerPoint। ये हमारा चलेगा MS Office बेसिक कंप्यूटर का तीसरा पार्ट। MS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट। इसके बाद चैप्टर 4 जिसमें आपका चलेगा इंटरनेट। देखिए, चैप्टर 4 में चलेगा हमारा इंटरनेट, जिसमें सबसे पहले क्या होगा, व्हाट इज ब्राउजर, ब्राउजर क्या होता है, उसके बाद सर्फिंग, ईमेल, डाउनलोडिंग, फिर आपका है ऑनलाइन वर्क, ऑनलाइन जो भी काम करते हैं जैसे फॉर्म फिल, ठीक है, फिर आपका हो गया रेल टिकट, एयर टिकट, तत्काल टिकट, जैसे आजकल तत्काल टिकट बुक करते हैं ना रेलवे का, उसके है। और इसके बाद देखिए, यहाँ पे मैं ETC लगा देता हूँ। इंटरनेट से जितने भी काम होते हैं ऑनलाइन, जैसे बिल पेमेंट हो गया, मनी ट्रांसफ़र हो गया, ये सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा। इंटरनेट से जितने भी काम होते हैं वो सभी चीज़ें मैं कराऊंगा आप लोगों को। और जितना भी आपको क्वेश्चन पूछना होगा, आपके माइंड में जो भी होगा, आप मेरे से कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं क्लास के समय में, और बाद में भी पूछ सकते हैं। तो ये कंप्लीट टॉपिक हमारा है बेसिक कंप्यूटर का। हमारा बेसिक कंप्यूटर स्टार्ट होगा आज से। तो यहाँ पे चैप्टर 1 में आपको दिखा दिया मैंने, ये हमारा चैप्टर 2 है और बेसिक कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा MS Office।
जिसमें वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट चलता है। और ये हमारा चैप्टर 4 है जो हमारा चलेगा इंटरनेट। इंटरनेट में ये हमारा मेन टॉपिक्स है। इसके अलावा मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 में। सबसे पहले पेंट है, ऐसे मैंने कल बताया था कल की क्लास में डेमो में, तो कुछ लोग नए जुड़े हैं इसलिए मैं आज उनको थोड़ा सा डेमो बता देता हूँ कि पेंट के बारे में, पेंट होता क्या है। स्टार्ट करने से पहले कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो पहले उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि उसके बारे में पहले पता होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, पेंट। तो यहाँ पे हेडिंग टाइप कर देता हूँ, ये हमारा प्रैक्टिकल क्लास है आज से। जो भी था थ्योरी था, थ्योरी जो भी मैं आपको बताऊँगा हर चीज़ आपको नोट्स कंप्यूटर ग्रुप में मिल जाएगा। और बाकी अपने जो भी आप क्लास सीखेंगे प्रैक्टिकल, तो जिनके पास कंप्यूटर वगैरह अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जिनके पास मोबाइल है अपना कंप्यूटर में अपना कॉपी वगैरह में नोट करेंगे सभी चीज़ें, जिनके पास कंप्यूटर नहीं है। तो व्हाट इज पेंट। पेंट स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में जानेंगे पेंट क्या होता है। तो देखिए, पेंट इज यूज्ड टू क्रिएट ड्राइंग ऑन ए ब्लैंक ड्राइंग एरिया, मतलब एक बिल्कुल खाली एरिया होता है जहाँ पे हम ड्राइंग बनाते हैं पेंट के अंदर। उसके बाद मेनी ऑफ द टूल्स इन पेंट, पेंट बहुत सारे टूल्स होते हैं, और विच इज यूज टू मेक ए डिजाइन। इन सभी टूलों का किस लिए यूज करते हैं, हम एक डिजाइन क्रिएट करने के लिए, कुछ भी हम बना हो पेंट के अंदर तो बना सकते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, ड्राइंग होता है। इसके बाद मान लीजिए कंप्यूटर में हमें पेंट पे काम करना है तो कैसे ओपन करेंगे, हाउ टू ओपन पेंट इन कंप्यूटर। तो सबसे पहले हमें स्टार बटन पे क्लिक करना होता है, उसके बाद ऑल प्रोग्राम, देन एसेसरीज, और उसके बाद फिर पेंट। तो ये तो हो गया माउस से। और ये जो मैंने स्टेप बताया है, ये स्टेप आपको मिलेगा विंडो 7 के अंदर, ठीक है। वैसे ही अगर मान लीजिए आपके पास विंडो 10 है, तो विंडो 10 में कैसे ओपन करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, स्टार बटन पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद वहाँ पे ना आपको सर्च करना है, या फिर आपको टाइप करना है सर्च बॉक्स में, टाइप इन सर्च बॉक्स, जहाँ पे स्टार बटन होता है वहाँ पे एक सर्च बॉक्स होगा, वहाँ पे क्या आपको टाइप करना है, आप वहाँ पे पेंट भी लिख सकते हैं या फिर MS पेंट, दोनों में से कोई भी टाइप कर सकते हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है, इंटर, तो आपका पेंट ओपन हो जाएगा। तो ये स्टेप हमारे विंडो 7 का, और ये है विंडो 10 का। अगर आपको कीबोर्ड से ओपन करना है शॉर्टकट, कंप्यूटर में क्या होता है सारा काम हम कीबोर्ड से ही करते हैं, तो कीबोर्ड से शॉर्टकट ओपन करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं शॉर्टकट ओपन पेंट। तो सबसे पहले हम ना रन ओपन करते हैं, हमेशा याद रखना कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम जिस पे हम काम करते हैं, जैसे पेंट हो गया, नोटपैड हो गया, आगे भी हम सीखेंगे वर्डपैड, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कुछ भी हमें ओपन करना हो, तो शॉर्टकट ओपन करने के लिए हमें क्या ओपन करना पड़ता है, रन। जिसके अंदर रन ओपन करने की शॉर्टकट की होती है, एक विंडो की होता है जिसके पास क्या, जिसके साथ हम प्रेस करेंगे R की, ठीक है, विंडो की के साथ में R की। और फिर जैसे ही रन ओपन होगा, देखिए मैं यहाँ पे विंडो की प्रेस करता हूँ और R प्रेस करता हूँ, तो आपको यहाँ पर रन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर रन ओपन हो गया। यहाँ पर आपको टाइप करना है जो भी ओपन करना है, तो मुझे क्या ओपन करना है, पेंट, तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। क्या टाइप करेंगे, पेंट के लिए MS पेंट टाइप करना पड़ता है, याद रखना, पेंट के लिए पेंट टाइप नहीं करते, MS पेंट टाइप करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, इंटर। तो मैं यहाँ पे विंडो बार प्रेस कर दिया और यहाँ पे टाइप कर दिया MS पेंट, और यहाँ पे इंटर कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद ये हमारा पेंट ओपन हो चुका है, और बाकी ये जो जितने भी यहाँ पे चीज़ें मैं बताऊँगा प्रैक्टिकली, इन सभी का नोट्स आपको कॉपी में मिल जाएगा, एक PDF मेरे पास पूरा कंप्लीट बना हुआ है। तो क्लास एंड होने के बाद जैसे ही क्लास खत्म होगी तो मैं कंप्यूटर ग्रुप में सभी को नोट दे दूंगा, तो जिनको अपने कॉपी में नोट करना नोट कर सकते हैं, या फिर जिसको रीड करना रीड भी कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर पेंट में आप बता दिया मैंने आपको, ये ड्राइंग करने के लिए होता है। पेंट ओपन करने के बाद मैं आपको कुछ इसका इंट्रोडक्शन बताता हूँ। ये जो ऊपर का एरिया होता है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर जब क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक एरो का बटन दिया है, इस एरिया को बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसका यूज क्या होता है मैं आपको आगे दिखाऊंगा, अभी फिलहाल आप नाम समझिए। ये जो ऊपर का यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये पूरा एरिया इसे बोलते हैं हम टाइटल बार। जब भी हम कोई फाइल यहाँ पे कुछ भी बना करके सेव करते हैं, तो यहाँ पे फाइल का नाम दिखाता है, किस नाम से हमने फाइल को सेव किया हुआ है। ये दिया है, 3 बटन है यहाँ पर, ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, इसे बोलते हैं क्लोज। और जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ,
सेम इसके बारे में मैंने पूरा कंप्लीट नोट बना रखा है, उसमें मैंने समझा रखा है पूरा। तो एक बार आप देखोगे नोट्स तो आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकल करने के बाद। यहाँ पे तीन बटन है, ये इसे बोलते हैं मेनू, फाइल मेनू, जिसके अंदर ये कुछ ऑप्शंस हमारे पे दिए हुए हैं, एक नया पेज लेने के लिए, ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए। तो यहाँ पे काम करने के बाद हम इसको यूज करेंगे। तो अभी हमें सीखना है यहाँ पर दो टैब, देखिए यहाँ पर दो टैब है, ठीक है, एक है हमारा होम टैब, ये हमारा दिया है व्यू टैब। मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, और होम टैब पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है। तो आज हम सबसे पहले पेंट में सीखेंगे होम टैब। ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं आप, इसे बोलते हैं ड्राइंग एरिया, बिल्कुल खाली एरिया है। और ये जो ऊपर आप लाइनें देख रहे हैं, यहाँ पे स्केल दिखाई दे रहा होगा आपको, इसे हम बोलते हैं रूलर। मान लीजिए इसे हमें हाइड करना होगा, हमें इसका यूज नहीं करना है, तो व्यू टैब में जा करके यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है रूलर का। तो रूलर क्या होता है, स्केल लाने के लिए होता है, ये स्केल है हमारा, तो मैंने इसे हाइड कर दिया, तो यहाँ पे अब दिखाई नहीं देगा रूलर हमारा, ठीक है। और मैं पेज को थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पर होम टैब के अंदर सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, इसे बोलते हैं ग्रुप। यहाँ पे पांच ग्रुप है, क्लिपबोर्ड ग्रुप, इमेज ग्रुप, टूल्स ग्रुप, शेप्स ग्रुप और कलर्स ग्रुप। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे काम करने के लिए सिखाऊंगा कि काम कैसे करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे चीज़ें, ये सारी चीज़ें यूज करेंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा होता है टूल्स ग्रुप सीखने का, यहाँ पे सबसे पहले इसमें देखिए। और हमेशा याद रखना कंप्यूटर पे काम करने का जो तरीका होता है सीखने का, तो जो भी आपको सीखना है उस पहले उस ऑप्शन पे आप जाएंगे माउस लेकर के, तो उसका नाम दिखा देगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है हमारा पेंसिल का, मैंने पेंट ओपन किया है अभी, ये हमारा पेंसिल है। माउस लेके जाएंगे ना, उसका नाम वहाँ पे दिखा देता है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ऐसे ड्रैग करना है। माउस में दो बटन दिए हुए हैं, लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट बटन प्रेस करके जब इसे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे लाइन चलेगी। तो ये हमारा पेंसिल है, आपको सीधा खींचना सीधा खींच लीजिए, और जैसे भी ड्रैग करना है ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ साइज, साइज पे क्लिक करके ना पेंसिल का साइज आप मोटा पतला कर सकते हैं, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे इस तरीके से मैंने ड्रैग कर दिया, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। इरेज करना हो नीचे यहाँ पे इरेजर दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके, और इरेज का साइज काफ़ी छोटा है, मैं यहाँ पे देखिए इरेज कर रहा हूँ तो ये बहुत ही छोटा साइज है। तो कीबोर्ड में एक बटन दिया होता है कंट्रोल प्लस, मैं कंट्रोल प्लस प्रेस किया तो यहाँ पे साइज बड़ा हो गया, और जो भी आपको इरेज करना है आप यहाँ पे इरेज कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ना हम यहाँ पे मान लेते हैं और भी बहुत सारे काम कर लेते हैं, ये कुछ सेप दिए हुए हैं, बस यहाँ पे सेप पे क्लिक करना है और ऐसे यहाँ पे ड्रैग करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे माउस से ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ इसे, ये देखिए। तो मान लीजिए हमने इतना सारा काम कर लिया, और अगर हम इरेजर लेकर के इसे इरेज करते हैं तो ये एक एक मिटाता है, एक एक को। मान लेते हैं कि हमें एक बार में सभी को इरेज करना है जो भी हमने यहाँ पे काम किया हुआ है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक बटन दिया सिलेक्ट का, और नीचे दिया हुआ सिलेक्ट ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना पूरा पेज हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, और फिर दोबारा इसी में जा करके और नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है डिलीट का, तो इस पर क्लिक करते ही हमारा एक बार में पूरा डिलीट हो जाएगा। तो आपको पेंसिल समझ में आ गया, इरेजर समझ में आ गया। चलिए मैं बताता हूँ आप कलर वगैरह फिल करने के लिए। जैसे मैंने कुछ सेप बना लिया, यहाँ पर कुछ ऐसे हमने सेप बना लिया, और इन सभी में हमें कलर फिल करना है। मैंने यहाँ पे कलर लिया, इसमें ग्रीन डाल दिया, ये देखिए यहाँ पे बटन है फिल विथ कलर, इसका नाम है। आप इसको इस पर क्लिक करके और यहाँ से कलर डिसाइड करना है जो भी आपको कलर चाहिए, और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है माउस से लेफ्ट बटन की। मैंने आपको कोई भी कलर लेने के लिए बस आपको यहाँ पे एक ही बार क्लिक करना पड़ता है, बार बार को क्लिक करने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है कलर लेना है। रेड लिया और इसके देखिए यहाँ बीच में जा करके क्लिक कर दिया, यहाँ से लिया मैंने स्काई ब्लू, फिर मैं यहाँ पे फिल कर दिया, यहाँ पे लिया येलो और यहाँ पे इसमें फिल कर दिया। तो ये होता है कलर फिल करने के लिए। तो पेंसिल, इरेजर और आपको फिल विथ कलर समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसे बोलते हैं टैक्स, टैक्स टूल नाम है इसका। आप कीबोर्ड से कोई भी टाइप नाम टाइप करना हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, टेक्स्ट यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, और किस कलर में आपको टाइप करना है तो पहले आपको कलर ले सकते हैं, मैंने मुझे ब्लैक में करना है ब्लैक ले लिया, और क्लिक करके जो भी आपको टाइप करना है टाइप कर सकते हैं। जैसे दे दिया हमने पेंट, ठीक है पेंट दे दिया। कलर चेंज करना है तो आपको बाहर क्लिक नहीं करना है, इसी को ऐसे माउस से सिलेक्ट करना है, ऐसे इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे क्लिक करके लेफ्ट लेफ्ट साइड में सिलेक्ट करके, और जो भी कलर में करना है आप यहाँ पे कलर कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, और इस कलर के अलावा अगर आपको और भी एक्स्ट्रा कलर लेना है तो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है एडिट कलर का,
इस पर क्लिक करके और यहाँ से आप कलर डिसाइड ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने पिंक पे क्लिक किया, कहीं भी आप क्लिक कर सकते हैं पिंक में, मैंने क्लिक कर दिया और इससे हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि हमें डार्क में चाहिए या लाइट में चाहिए। यहाँ पे आपको दिखाएगा कलर, ठीक है। तो अगर मैं नीचे करूँगा तो क्या आ रहा है, डार्क में आ रहा है, देखिए। अब मैं जब ऊपर करूँगा तो क्या आएगा, लाइट में आ रहा है। तो मैंने यहाँ से कर दिया क्या डार्क और ओके कर दिया, तो जो भी कलर आप यहाँ से लेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा और इसमें भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो टेक्स्ट टूल का काम क्या होता है, इसको इस पर क्लिक करके पेज में कहीं भी क्लिक करके और जो भी आपको कीबोर्ड से टाइप करना है, आपको नाम हम टाइप करना कर सकते हैं, जैसे दे दिया है यहाँ पे प्रियांशु और बाहर क्लिक कर दिया। तो ये आपको चार टूल समझ में आ गया, सेप समझ में आ गया, वो सेप सिंपल सा है, यहाँ क्लिक करिए और यहाँ भी अभी क्या है पिंक कलर है यहाँ पे, तो जो भी मैं यहाँ पे सेप बनाऊंगा किसी में आएगा पिंक कलर में आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक नीचे बटन दिया हुआ है, इसका नाम है कलर पिकर, ये कलर को पिक करता है, कलर को कॉपी करता है दूसरे शेप में से, ठीक है। तो इसका यूज करने से पहले आपको पहले इस पर क्लिक करना पड़ेगा, ये ऊपर दिया ना फिल विथ कलर, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर आपको इसका यूज कर सकते हैं। इसका काम क्या होता है, किसी भी शेप में से कलर कॉपी करके किसी दूसरे शेप में डालना। जैसे यहाँ पे पांच शेप है, पांचों में डिफरेंट डिफरेंट कलर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कलर पिकर पे क्लिक किया, मैं चाहता हूँ कि मुझे इस वाले शेप में रेड कलर चाहिए, तो मैंने इस पर क्लिक किया हुआ है, तो यहाँ पे कलर पे क्लिक करके और फिर यहाँ पे इसमें क्लिक कर दो, ठीक है। मान लीजिए मुझे चाहिए इसमें ये वाला स्काई ब्लू कलर चाहिए मुझे इसके अंदर, तो दोबारा मैं इसी पे क्लिक करूँगा, यहाँ से लिया मैंने स्काई ब्लू और यहाँ पे इसमें क्लिक कर दिया, ठीक है। वैसे मुझे येलो चाहिए तो ये लिया कलर पिकर, यहाँ से येलो लिया और इसमें डाल दिया। तो कलर पिकर काम क्या होता है, किसी दूसरे शेप से कलर कॉपी करके किसी दूसरे में फिल करना, ठीक है। अच्छा ये क्या होता है, ये दिया मैग्नीफायर, ये आपका जूम करने के लिए होता है, पेज को जूम करके देखना। किसी का कमेंट आ रहा है, देखता हूँ क्या आ रहा है कमेंट। भाई ये बेसिक पढ़ा रहे हो, हाँ जी बेसिक चल रहा है अभी, वो तो सभी को पता है। चलिए यहाँ पे मैं था मैग्नीफायर पे, अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है तो चेट कर सकते हैं, मैं एक बार देख लूँगा यहाँ पर, क्योंकि म्यूट करने के बाद आवाज़ नहीं आती आपकी, तो आप चेट करेंगे तो मैं यहाँ पर देख लूँगा, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कलर पिकर, ये दिया मैग्नीफायर, इसका काम क्या देखिए, मान लीजिए किसी शेप को मुझे जूम करके देखना है, जूम इन जूम आउट है। तो मैंने इस पर क्लिक किया और माउस में दो बटन दिए हुए हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, तो मैं चाहता हूँ मुझे इसे जूम करके देखना है, तो मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा तो क्या होगा, जूम इन होगा, यानी कि बड़ा होगा, किसी शेप को जूम करके देखना हो तो। और छोटा करने के लिए क्या करेंगे कि माउस से राइट क्लिक, तो ये हमारा छोटा हो रहा है, ये देखिए, तो लेफ्ट से जूम जूम इन और राइट से जूम आउट है, तो माउस में दो बटन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये समझ में आ गया आपको, यहाँ पे टूल्स ग्रुप, ये शेप मैंने आपको बता दिया, शेप पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कलर डिसाइड कर लीजिए कौन से कलर में शेप बनाना है, और यहाँ पे ले लिया जैसे ब्लैक और यहाँ से ले लिया मैंने शेप ऐसे, ठीक है। चलिए ये तो हो गया शेप हमारा, ये मैंने आपको शेप बता दिया और टूल्स बता दिया। ये दिया हमारा ब्रूस टूल, ब्रूस में क्या होता है, जैसे हम जब इसे कलर फिल करते हैं तो ये इसे बोलते हैं सॉलिड, ये सिंपल कलर है हमारा, जैसे बोलते हैं सॉलिड कलर। तो आप इस पर क्लिक करके, जैसे मैं ले लिया यहाँ पे एक है एयर ब्रूस, ठीक है, और मैंने लिया यहाँ पे पिंक नहीं, यहाँ पे लेता हूँ मैं ब्लू, और देखना मैं जब इसके अंदर क्लियर कलर फिल करूँगा ना, एक साइज काफ़ी छोटा है, जब भी आप यहाँ पे कोई भी ब्रूस यूज करेंगे ना तो साइज आप बड़ा कर लेना ताकि यूज करने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने यहाँ ले लिया कलर, साइज इंक्रीज कर दिया, देखिए। तो ये क्या होता है, किसी शेप में ना इफेक्ट डालने के लिए होता है, किसी भी शेप में, ठीक है, ये देखिए। तो इस तरीके से अगर आपको कोई इफेक्ट वगैरह बनाना हो, किसी शेप में डालना हो तो बना सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे लिया मैंने दूसरा ब्रूस, और इससे पहले मैं कोई शेप बना लेता हूँ, और यहाँ पे दूसरा ब्रूस ले लिया, कौन सा, इसका नाम यहाँ पे दिखाएगा आपको, ये है ऑयल ब्रूस, क्लिक कर दिया, यहाँ से लिया मैंने ग्रीन कलर, और देखो यहाँ पे मैं फिल करता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से फिल करेगा, ये देखिए। तो जैसे भी आप चलाएंगे यहाँ पे, वैसा हमारा यहाँ पे बनता जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी ब्रूस यहाँ पे दिए हुए हैं, सबका डिफरेंट डिफरेंट वर्क है, जो ब्रूस जैसा ब्रूस आप लेंगे वैसा यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो आपको शेप समझ में आ गया होगा, बाकी जिसको नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा बता दूंगा, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चैटिंग काफ़ी आ रही है, साइंस इंजीनियरिंग,
ये हो गया आपका शेप्स ब्रूस और ये हो गया टूल्स। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको इमेज ग्रुप, ये वाला पार्ट मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये दोनों पार्ट जो दिया हुआ है हमारा, इन दोनों जितने भी यहाँ ऑप्शन है इन सभी को यूज करने के लिए हमें किसी भी शेप को क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है। याद रखना क्रॉप रिसाइज रोटेट ये तीन ऑप्शन, और यहाँ पर ये तीन ऑप्शन दिए हुए हैं कट कॉपी और पेस्ट है, तो इनका यूज करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है सिलेक्ट, तभी हम इसका यूज कर पाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मान लीजिए क्रॉप है, मैं पहले आपको बताता हूँ क्रॉप क्या होता है। क्रॉप मतलब क्रॉप करना, किसी भी शेप को छोटा बड़ा करना, ठीक है, काटने के लिए होता है। तो मैंने यहाँ पे गया ले लिया रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, और मैंने यहाँ पे ब्लू वाले को सिलेक्ट कर लिया, ऐसे करके ये ऐसे सिलेक्ट करते हैं, जिस शेप को हम इसमें स्क्वायर में डाल देंगे ये हमारा सिलेक्ट हो गया। क्रॉप जैसे ही करूँगा ना, क्रॉप का मतलब होता है कि जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है उसे छोड़कर जितने भी यहाँ पे शेप है वो सारे हमारे हट जाएंगे, ठीक है, बचेगा कौन सा हमारा शेप, ओनली ये ब्लू, ये देखिए। तो क्रॉप मतलब काटना होता है कि जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसे आप काट के अलग से निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अंडू कर दिया, ये हमारा दो बटन ऊपर में दिया हुआ है अंडू का, ठीक है, एक है अंडू और एक बोलते हैं रेडो, ठीक है। शॉर्टकट की मैं आप लोगों को दे दूंगा आगे, ऐसे कंट्रोल जेड प्रेस कर सकते हैं अंडू करने के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे बैक आ गए और ये दिया हुआ रेडो, मुझे फिर दोबारा आगे जाना है तो क्या होता है कंट्रोल वाई, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए या फिर कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए कंट्रोल वाई। तो याद रखना हमेशा जब भी आप कोई काम करते हैं तो बैक आने के लिए क्या करते हैं कंट्रोल जेड, तो मैं बैक आ गया, और दोबारा फॉरवर्ड मतलब आगे जाना हो तो कंट्रोल वाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ फिलहाल। तो जब भी आप काम करते हो ना तो कभी मिस्टेक होता है तो आप यहाँ पे अंडू कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्रॉप, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे ना ये इतना एरिया चाहिए बस, ये बस इतना, तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से कर दिया क्रॉप। तो जितना हम सिलेक्ट करते हैं वो हमारा कट के अलग हो जाता है, तो ये होता है हमारा क्रॉप। तो यहाँ पे मैंने अंडू कर दिया। ये दिया हुआ रीसाइज, रीसाइज मतलब आपको साइज से नाम से पता चल रहा होगा, रीसाइज मतलब रिसाइज करना, ठीक है। क्या रिसाइज करना, जैसे मान लीजिए ये जो शेप है हमारा, ठीक है, चेट का शेप, तो मैंने पहले इसे सिलेक्ट कर लिया क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी कि यहाँ पर ये तीन ऑप्शंस, और ये तीन ऑप्शन यूज करने से पहले हमें किसी भी चीज़ को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और रीसाइज पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ये परसेंटेज, इसका साइज है यहाँ पे 100 है 100 है। मान लीजिए मुझे इसका साइज 50% कम करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 100 की जगह 50 कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया ओके। तो आपको रिसाइज समझ में आ रहा होगा, अगर मैं वहाँ पे 200% करता तो क्या होता, ये डबल हो जाता साइज में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से इसे मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ, और दोबारा से इसको वैसे ही करना है सेम, तो क्या कर देंगे अंडू, अंडू मतलब बैक आने के लिए। और भी आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, रिसाइज पे गया, तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे 100% करता हूँ ना, ये देखिए हॉरिजॉन्टल मतलब ये आपकी इस शेप की चौड़ाई है, चौड़ाई, और वर्टिकल मतलब क्या है, इस शेप की लंबाई है। तो हम जब यहाँ पर जैसे 50 करते हैं, हमने यहाँ पे सिर्फ क्या किया, विड्थ कम किया है, इसकी चौड़ाई कम किया है, तो यहाँ पे इसकी हाइट भी ऑटोमेटिक कम हो गई। तो हमें क्या करना है, ओनली इसकी विड्थ कम करनी है, हाइट कम नहीं करना है, यहाँ तो दोनों हो रहा है ना। तो अगर आपको ऐसा करना होगा तो क्या करेंगे, नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है मेंटेन एक्सपेक्ट रेडियो, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे सिंगल सिंगल चेंज कर सकते हैं, मुझे विड्थ को काटना है 50%, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हाइट हमारा 100 का 100 ही है, और यहाँ पे क्या कर दिया ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, विड्थ कम हो गया, हाइट हमारा उतना का उतना ही है। तो रिसाइज का आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, बाकी किसी को डाउट होगा तो मैं दोबारा बता दूंगा। ये दिया रोटेट, रोटेट को आप शेप को घुमा सकते हैं, आप फ़ोन के अंदर आप लोग यूज करते हैं रोटेट करना वाला, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये 90 डिग्री हो गया, फिर दोबारा इसी पर क्लिक किया तो ये हमारा क्या रोटेट होते जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए फ्लिप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दिया हुआ है, मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया तो ऐसे हो गया, वर्टिकल में उल्टा करने उल्टा होता है हमारा, ठीक है, तो ये रोटेट होता है हमारा इस तरीके से। मान लीजिए मुझे इसे रोटेट करना है तो इसे सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से आपको जो भी करना है कर सकते हैं। ये देखिए तो मैं यहाँ क्लिक करता मैं यहाँ पे रोटेट पे क्लिक करूँगा, ये हमारा रोटेट होता जाएगा, ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पे चेट कौन कर रहा है बार बार यार, चलिए।
तो आपको ये समझ में आ गया, क्रॉप, रिसाइज और रोटेट। और लास्ट में क्लास करने के बाद जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो अनम्यूट करके किसी को डाउट होगा तो मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है, बताने में कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कोई भी दिक्कत होगा दोबारा पूछ सकते हैं। तो मैं अभी करता हूँ ऐसा कि इन सभी सेव को हटा देता हूँ, फिलहाल मैं यहाँ पर कर दिया सिलेक्ट ऑल और इसी में जा करके डिलीट, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कट, कॉपी और पेस्ट, इसका यूज़ क्या होता है। देखिए कंप्यूटर में हम जब तक काम करते हैं शुरू से लास्ट तक, हमें हमेशा कट, कॉपी, पेस्ट का यूज हमेशा करना पड़ता है, हमेशा। तो यहाँ पे करना क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे सेव को सिलेक्ट किया, सॉरी सेव एक बना लिया और इसमें मैंने कलर डाल दिया, सपोज रेड कलर। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको कट और पेस्ट, ऐसे मैंने कल आपको दिखाया था एक बार बना करके और बाकी दोबारा बता देता हूँ। कट और पेस्ट होता है हमारा मूविंग करने के लिए, और कॉपी और पेस्ट, जब भी हम कट यूज करते हैं पेस्ट हमें यूज करना पड़ता है, और जब भी हम कॉपी करते हैं तो हमें पेस्ट करना पड़ता है, याद रखना, कभी भी हम इसको सिंगल यूज नहीं करते। तो कट और पेस्ट का मतलब हो गया कि किसी चीज़ को, किसी भी शेप को या कुछ भी हमें, कोई भी हम सिलेक्ट करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, यानी कि मूविंग करने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल, मैंने इसे सिलेक्ट किया इस शेप को और यहाँ से कर दिया मैंने कट, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये शेप यहाँ से हमारा हट चुका है, ठीक है। और कट करने के बाद क्या करना है, जहाँ भी आपको चाहिए वहाँ पर क्लिक करके और कर देंगे यहाँ पे पेस्ट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये शेप हमारा यहाँ से हमारा यहाँ पे आ गया, और कहीं भी इसको आप ले जाओ जहाँ आपको ले जाना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कट और पेस्ट है। तो ये क्या होता है, मूविंग करने के लिए, किसी भी चीज़ को एक जगह से हटा करके दूसरी जगह ले जाना। और ये जो दिया हुआ है कॉपी, तो कॉपी क्या होता है, डुप्लीकेट करना। मैं चाहता हूँ कि ये जो शेप है हमारा यहाँ भी रहना चाहिए और यहाँ भी रहना चाहिए, दोनों जगह। तो क्या करेंगे, कॉपी और पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट यूज करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमें करना पड़ता है सिलेक्ट, तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं कॉपी पे क्लिक करूँगा तो हमारा ये शेप वहीं का वहीं है, और पेस्ट पे क्लिक करके देखिए डुप्लीकेट आ गया, ठीक है। तो आपको जहाँ भी ले जाना है वहाँ पर ले जा सकते हैं इसे। तो कॉपी पेस्ट का मतलब क्या था, डुप्लीकेट करना। और अगर आपको इस वाले शेप का चार कॉपी चाहिए, चार कॉपी, हमने तो दो कर लिया, हमें चाहिए फोर कॉपी, दो और चाहिए, तो हमें किसी भी चीज़ को एक बार कॉपी करते हैं तो हमें बार बार कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप पेस्ट करेंगे डुप्लीकेट होता जाएगा, ठीक है, याद रखना, पेस्ट करेंगे डुप्लीकेट होता जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप, इमेज ग्रुप, टूल्स ग्रुप और शेप्स ग्रुप समझ में आ गया होगा, और ये कलर्स भी आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो एक बार मैं थोड़ा पूछ लेता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ कि काम करने के बाद सेव कैसे करते हैं फाइल वगैरह को, और फिर मैं आपको कुछ इस पर ड्राइंग भी बना के दिखाऊंगा जो कि आपको प्रैक्टिस भी करना है अपने पास। तो एक बार मैं आपको अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, समझ में आ रहा है सभी लोग आप लोगों को? हाँ सर, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। कोई ऐसा हो, हाँ, किसी को कुछ समझ में नहीं आया पूछ सकते मेरे से अभी। मैं ये बोल रहा था, समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, तो अभी देखो, अभी ये सब पेंट हो गया, नोटपैड हो गया, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, है ना। तो इसको आप जितना जल्दी आप समझेंगे उतना जल्दी आप लोग कराते जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं म्यूट कर देता हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको, मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल, मैं पूरे को डिलीट कर देता हूँ एक बार में। तो यहाँ से कर दिया मैंने सिलेक्ट ऑल और इसी में जा करके यहाँ से कर दिया डिलीट, ठीक है। तो अब मैं आपको ना यहाँ पे एक ड्राइंग बना के दिखाता हूँ ताकि आपको घर पे प्रैक्टिस करना। मैं आपको तीन काम दूंगा, आपको क्या क्या करना है, एक तो जो पेंट सीख रहे हैं उनको बनाना है क्या क्या घर पर, प्रैक्टिस के लिए काम बता रहा हूँ। एक तो कंप्यूटर बनाना है, कंप्यूटर का ड्राइंग बनाना है अपने कंप्यूटर पर, अगर जिसके पास कंप्यूटर है। दूसरा एक बनाना है होम, और तीसरा बनाना है एक फ्लावर। तो कंप्यूटर और होम आप बना लेना, मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कैसे बनाना है। फिलहाल मैं बताता हूँ आपको फ्लावर, फ्लावर कैसे बनाते हैं, और उसके बताने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे सेव कैसे करते हैं, ठीक है, न्यू पेज कैसे लेते हैं, तो इसके बाद ये बताऊंगा आपको। तो मैं आपको फिलहाल बताता हूँ भैया फ्लावर, ठीक है। तो मैं इसे सिलेक्ट ऑल करके और यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। चैट बहुत आ रहा है, चैट में क्या बोल रहे हैं, बनाना आता है, अच्छा कोई बात नहीं, जो लोग नए हैं उनको बनाने नहीं आता है, कोई बात नहीं। यहाँ है नंदन झा, चलिए कोई बात नहीं। और देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को करा रहा हूँ तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, और जो भी मैं काम दूंगा आपको करने के बाद
जो जो मेरे से क्लास कर रहे हैं, मैं पहले बता देता हूँ आप लोगों को, जो जो आप कंप्यूटर पे काम करोगे अपने घर पे, ठीक है, जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है, तो मेरे को आपको व्हाट्सअप भी करना है काम करने के बाद, कुछ नहीं करना है, फ़ोटो खींच करके मुझे आपको व्हाट्सअप कर देना है। यहाँ पर ये कुछ शेप्स है, जैसे ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर बन के आएगा आपका। अरे बीच में प्रॉब्लम बहुत करते हैं यार, यहाँ पर आप कोई भी शेप लेंगे ना, जैसे ये आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बन के आएगा, हमने यहाँ पर लिया ट्रीएंगल, ट्रीएंगल बन के आएगा। लेकिन इसी शेप में दो शेप ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग है, कौन कौन से, एक होता हमारा यहाँ पे शेप के ऊपर जाएंगे ना, तो ये देखिए पॉलीगॉन नाम है इसका, पॉलीगॉन, मैंने इस पर क्लिक किया, इसका यूज कैसे करते हैं, एक बार जब स्टार्ट करेंगे तो ये आपका क्या चलता जाएगा, ये देखिए ये रुकेगा ही नहीं, ये आपका बिल्कुल चलता जाएगा। और ये कहाँ पे स्टॉप होगा, जब इसे आप जहाँ से आपने स्टार्ट किया है वहीं पे आपको क्लिक करना होगा, तो ये आपका हो गया स्टॉप है। तो इससे आपको कुछ भी शेप बनाना हो तो आप बना सकते हैं, ठीक है, एक बार स्टार्ट कर दिया तो ये आपका चलता ही जाता है, और जहाँ पे आप मैच कर देंगे इसे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्टॉप आ जाएगा। एक होता हमारा कर्व, मैं इसी का यूज करके एक फ्लावर बना के दिखाऊंगा आपको, तो बस आपको स्टेप देखना है मैं कैसे बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया, ठीक है, स्टेप समझना, यहाँ ले लिया ब्लैक कलर, और पहले बता दूँ कि इसका यूज करते कैसे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जब भी आप इसका यूज करेंगे ना, इसके थ्री स्टेप होते हैं, तीन स्टेप, जैसे देखिए ये आपका वन हो गया, अभी मैंने एक बार इसे खींचा है, आपको इस बार दो बार और करना पड़ेगा। हाँ, जब भी आप इसका यूज करोगे, इसके थ्री स्टेप होते हैं, एक हो गया, ये हो गया आपका टू, ठीक है, दो, और ये हो गया आपका थ्री, तो इसके थ्री स्टेप होते हैं, है ना। जब भी जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रैग किया, अब आपको जैसे वन में मैंने ऐसे कर दिया, अब टू में ऐसे किया, थ्री में आपको कैसे रखना है, है ना, एक मिनट, ये आपका वन हो गया, ये टू हो गया, और थ्री में आप कैसे रखना चाहते हैं, ऐसे या ऐसे, जैसे भी आपको रखना है वहाँ पर ले जा करके, और आपको माउस को छोड़ देना है। तो अब आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, तो हमेशा याद रखना, जब भी हम कर्व यूज करते हैं, कर्व इसका नाम है, कर्व टूल, तो इसके थ्री स्टेप होते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींचा, एक ये आपका हो गया क्या, वन, वन स्टेप हो गया। फिर यहाँ से आपको ड्रैग करना है, टू, और यहाँ से ड्रैग किया मैंने, ये हो गया थ्री, ठीक है, बाहर क्लिक कर दिया। उसके बाद फिर दोबारा से वन, टू, और ये थ्री, ठीक है, तीन स्टेप होगा। थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ये देखिए, फिर यहाँ से वन ऐसे करना है, टू, और ये थ्री। थोड़ा सा गलती, कोई अगर मिस्टेक हो जाए तो यहाँ पे अंडू कर देना, वो थोड़ा सा नीचे क्लिक हो गया, वन, टू, और यहीं से बैक करना है आपको थ्री, ठीक है, और बाहर क्लिक करना है। ये मैंने कर दिया वन, टू, और थ्री, ठीक है, फिर यहाँ से वन, टू, जैसे आप इधर से खींचेंगे वैसे आपको इसे बैक करना है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। बनाने का तरीका क्या है, एक लाइन ऐसे आपको खींचना है, वन हो गया, क्योंकि इसका जब भी यूज करोगे तीन बार करोगे, वन हो गया, टू, और ये थ्री, ठीक है, फिर यहाँ से ये हो गया आपका वन, ठीक है, टू ऊपर की ओर, और थ्री में नीचे की ओर, बस ऐसे ही करना है, बड़े आराम से बन जाएगा। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे एक साइड का क्रिएट कर लिया फ्लावर लोटस। अब हमें क्या करना है, जैसे अब हमें इस साइड का बनाना है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, इससे हमने मेजरमेंट नहीं किया किसी भी चीज़ से, हमने कोई इसे नापा नहीं है। अगर हम अंदाज से बनाते हैं इस साइड में, तो क्या होगा कि इसकी विड्थ कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अंदाज से तो कम ज़्यादा होगा ही, क्योंकि हमने मेजरमेंट तो किया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसी का डुप्लीकेट ले करके और इसको इधर कर देंगे, और इस पॉइंट को इधर कर देंगे, मूविंग कर देंगे। तो करेंगे कैसे, तो कुछ नहीं करना है, हमें करना है पहले इसका डुप्लीकेट। तो इस पर यहाँ पे करेंगे इसे सिलेक्ट, आप लोगों को पता ही है डुप्लीकेट कैसे करते हैं, और कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, तो ये इसका डुप्लीकेट आ चुका है। यहाँ पर इधर ले आता हूँ मैं इसको, लिया या? अब मुझे क्या करना है, इधर इसको इधर करना है, इस वाले पॉइंट को इधर करना है। तो देखिए, लेफ्ट से राइट करने के लिए क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल करते हैं हम, रोटेट में जा करके एक ऑप्शन दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल, तो ये किस लिए होता है, लेफ्ट से राइट और राइट वाले को लेफ्ट करने के लिए।
लेकिन किसी चीज़ को अगर ऊपर को नीचे करना है, नीचे वाले को ऊपर करना है, तो क्या करते हैं वर्टिकल। तो याद रखना, तो मुझे अभी क्या करना है लेफ्ट से राइट, तो यहाँ पे यह कर दिया मैंने और फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो ये मूवी हो गया। अब जब आप इसके ऊपर देखिए, मैं जब इसके ऊपर लेके जाऊँगा ना, तो देखना आप ज़रा ये आपस में मैच नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है कि जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है इसे, तो बीच में जो वाइट कलर आ रहा है ना, ये वाइट है, ये वाइट बैकग्राउंड है, ये भी हमारा इस शेप के साथ आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे देखिए, जब मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो ये वाइट बैकग्राउंड की वजह से हमारा पीछे वाला पिक्चर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये बैकग्राउंड हटाने के लिए क्या करते हैं, सेलेक्ट में एक ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा बैकग्राउंड अब हमारा हट जाएगा। याद रखना, जब भी आप कोई चीज़ सेलेक्ट करते हो और पीछे में बैकग्राउंड आता है, तो बैकग्राउंड हटाने के लिए क्या करते हैं ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। तो यहाँ पे अगर क्लिक है तो आपका बैकग्राउंड नहीं आएगा। अब मैं इसे मैच कर देता हूँ, ठीक है, और जो भी कलर डालना आप डाल सकते हैं इसके अंदर। मैं डाल दिया इसके अंदर पिंक कलर, पिंक ये थोड़ा सा लाइट में है, डार्क कर देता हूँ, डार्क कलर, ठीक है, डार्क ले लेता हूँ यहाँ पर, ये हो गया, ओके, कलर डाल दिया इसमें, ये तो हो गया ऊपर का पार्ट। मैं ऐसा करता हूँ, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ऐसे सेलेक्ट करके, और यहाँ से करता हूँ रिसाइज, मुझे थोड़ा सा इसको छोटा करना है, तो ये 100% है, मैंने कर दिया इसे 85 कर देता हूँ, 15% कम कर देता हूँ, विड्थ हाइट दोनों करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लिक नहीं किया, मुझे दोनों कम करना है, छोटा हो गया। मुझे इसका नीचे का पार्ट क्रिएट करना है, तो मैंने क्या किया, कॉपी करके और डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है, एक और पार्ट आ गया, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। तो छोटा करने के लिए क्या करेंगे, मुझे इसकी विड्थ और हाइट दोनों छोटा करना है, तो सिंपल सा है, आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ कोने पर जाएंगे ना तो एक एरो आएगा, तो क्लिक करके आप छोटा ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है। मुझे इसको उल्टा करना है, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को पार्ट को ऊपर, तो रोटेट में जा करके क्या कर देंगे वर्टिकल, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसे ऐसे लगा दिया, और यहाँ से मैं कलर डाल देता हूँ इसमें ग्रीन, ठीक है, ये हो गया हमारा एक फ्लावर। चलिए, पेंट के अंदर कोई भी काम करने के बाद सेव कैसे करते हैं, अब आपको सेव बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे फाइल का बटन है, फाइल के अंदर हमारे पास सारे ऑप्शंस होते हैं सेव करने का, ओपन करने का। तो अभी फिलहाल हमने एक नया काम किया है, तो कभी भी हम कोई भी पेज पर एक नया काम करते हैं तो सेव करने के लिए क्या करते हैं, फाइल पे क्लिक करके, और यहाँ पे एक सेव का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो ये हमारा लोकेशंस है, डॉक्यूमेंट में सेव करना है या फिर डेस्कटॉप में, डाउनलोड में, म्यूजिक में, पिक्चर में, ये कंप्यूटर का लोकेशंस होता है। तो जहाँ भी आपको सेव करना होगा ना, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मान लीजिए मुझे करना है पिक्चर में, ये हमारा क्या है ड्राइंग, क्या है पिक्चर है, तो मैंने पिक्चर पे क्लिक कर दिया, तो हम जो जहाँ पे सेव करेंगे हमारी फाइल उसी जगह मिलेगी। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है फाइल नेम, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके, और जो भी लिखा हुआ है इसको मैंने कीबोर्ड में बटन दिया हुआ है बैक स्पेस, तो जो भी टाइप किया होगा उसे हटाने के लिए, और मैंने यहाँ दे दिया जैसे कंप्यूटर ड्राइंग या जो भी, ठीक है, या फ्लावर दे देते हैं, फ्लावर सिंपल सा जो हमने बना रखा है, और लास्ट में यहाँ पे एक बटन दिया है नाम टाइप करके, या क्या करेंगे सेव ऐसे। तो आप यहाँ पे ऊपर दे सकते हैं, यहाँ पर टाइटल बार में यहाँ पे नाम आ चुका है, मैंने आपको बताया था कि जो भी हम काम करके सेव करते हैं तो टाइटल बार में उस फाइल का नाम दिखाता है, यहाँ पे लिखा रहा है फ्लावर, ठीक है। तो ये हमारा सेव करने का तरीका है, और मैं एक बार थोड़ा पूछ लेता हूँ कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ जाती है, तो मैं अनम्यूट कर देता हूँ आप लोगों को। हाँ जी, समझ में आ रहा है, हेलो सर, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? यस सर, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हाँ, 1 2 3 कैसे करते हैं सर? 1 2 3 1 2 3, अच्छा स्टेप है? स्टेप सर, ये स्टेप सिर्फ बता दीजिए। देखिए, जैसे ये यहाँ पे मैंने लिया इस शेप को, ये जो कर्व लिया है ना इसका, इसके 3 स्टेप होते हैं। जैसे ये लाइन है हमारा, इस शेप का नाम है लाइन, तो इसके इसको आप एक बार ऐसे ड्रैग कर दो, तो अब आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते इसके अंदर लाइन से। लेकिन ये जो कर्व दिया हुआ है इसका आप जब भी यूज करेंगे ना, इसके 3 स्टेप होते हैं हमेशा, 3 स्टेप। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब देखिए ये आपका 1 हो गया, आपको इसमें 2 बार और चेंज करना पड़ेगा, जैसे 2 हो गया, और ये 3 में आपको कैसे चाहिए, ऐसे चाहिए या ऐसे चाहिए, जैसे भी चाहिए अपना रख दो, तो अब आप इसमें चेंज नहीं कर सकते।
तो ये इसका हाँ कर्व टूल का यूज करने से समझ में आया आपको। हेलो हाँ आ गया सर। ठीक है तो मान लेते हैं जैसे सर एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। कि अगर मान लीजिए कि हमें कोई फोटो को केवी कम करना है तो ये पेंट ब्रश में कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। कैसे मैं सर? अभी क्लास के लास्ट में क्लास पूरा करके लास्ट में आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है हाँ ओके सर। हाँ ये थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन है, इसमें से नहीं है जो मैं करा रहा हूँ अभी, तो मैं आपको लास्ट पर करा दूंगा जी सर। जो हाँ कुछ आप कुछ भी मेरे से पूछ सकते हैं। तो जो अगर बाहर जो मैं करा रहा हूँ उससे अगर बाहर का क्वेश्चन होगा ना तो क्लास के लास्ट में आपको मैं क्लियर कर दूंगा उस चीज को। ठीक है ओके सर। हाँ तो मैं अभी फिलहाल स्टॉप कर देता हूँ, अभी म्यूट कर देता हूँ। तो मैंने आपको बताया भी यहाँ पे फाइल के अंदर सेव करना। ठीक है कोई भी काम करने के बाद जब हम यहाँ पे सेव कर देते हैं, ठीक है सेव कर दिया मैंने, मुझे एक नया पेज चाहिए नया काम करने के लिए, तो क्या करेंगे फाइल में क्लिक करके और यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है न्यू का, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक नया पेज आ जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ नया पेज, क्योंकि इसमें स्क्रीन शेयर भी करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नया पेज आ चुका है। ठीक है मैंने आज कराया आप लोगों को पेंट के अंदर होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप, इमेज ग्रुप, टूल्स, शेप्स और कलर्स, ये पांच ग्रुप तो मैंने करा दिया। ये हमारा होम टैब के अंदर है, जो जो आपको क्लियर होता है याद रखना और उसका नोट्स मैं आपको दे दूंगा, उसे कॉपी में नोट भी करना है। तो फिलहाल मैं अभी आपको करा रहा हूँ फाइल के अंदर, मैंने आपको बता दिया सेव और न्यू मतलब एक नया पेज लेना। ठीक है तो यहाँ पर नया पेज हमारे पास आ चुका है और ये दिया हुआ है ओपन का ऑप्शन। ओपन का मतलब होता है जो हमारी फाइल कंप्यूटर में पहले से सेव है और अगर हमें दोबारा से ओपन करना हो तो क्या करेंगे ओपन पे क्लिक करेंगे। तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अब हमें देखना है कि हमने फाइल कहाँ पे सेव किया है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है तो एक बार मैं देख लेता हूँ स्क्रीन आपके पास आ रहा है। हाँ स्क्रीन तो आ रहा है। चलो तो यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, आपने फाइल कहाँ पे सेव किया है। तो मैंने सेव कर रहा है किस में, पिक्चर में, तो मैंने पिक्चर पे क्लिक कर दिया। जहाँ पे आपने सेव किया है वहीं पे आपको जाना होता है और आपको यहाँ पे देखना है आपकी फाइल कहाँ पर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फ्लावर नाम से सेव किया हुआ है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे बटन दिया ओपन का, यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है तो ये हमारा ओपन हो चुका है। चलिए तो ये हमारा हो गया न्यू, ओपन और सेव। अब मैं आपको बताता हूँ सेव एज क्या होता है। देखिए मैंने ये काम पहले से सेव किया, याद रखना। पहले मैं आपको बता दूँ सेव और सेव एज में अंतर क्या होता है। देखिए जो सेव दिया हुआ है ये एक नए फाइल के लिए होता है जो हमने काम करके सेव किया है, और सेव एज क्या होता है ये हमारी ओल्ड पुरानी फाइल के लिए होता है। तो हम मैं आपको बताता हूँ ये हमारी पुरानी फाइल है, तो मैं चाहता हूँ क्या कि इस फाइल में मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना। ठीक है लेकिन मैं जो भी यहाँ पे चेंज करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया पिंक की जगह रेड कलर कर दिया कुछ इस तरीके से ऐसा, और मुझे इसको अलग से सेव करना है। हमने पुरानी फाइल में ही चेंज किया है लेकिन जो हमारी पहले वाली फाइल है उसमें कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, और जो हमने यहाँ पे काम किया है ना इसे मुझे अलग सेव करना है दूसरे नाम से। ठीक है दूसरे नाम से करने के लिए क्या करेंगे, फाइल पे जा करके और इस पर क्या करेंगे सेव एज, याद रखना। अगर हम यहाँ पे हम सेव पे क्लिक कर देते हैं ना तो जो भी हमने काम किया हुआ है यहाँ पर चेंज किया है पहले वाली फाइल में, तो ये आपका कलर चेंज हो जाएगा, उसका पिंक की जगह क्या आ जाएगा रेड। लेकिन हमें क्या करना है पहली वाली फाइल में कुछ भी चेंज नहीं करना, अब मुझे ये अलग से सेव करना है, जबकि हमारी कौन सी फाइल है पहले वाली फाइल है। तो इसको अलग से सेव करने के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे यूज करते हैं सेव एज। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और तरीका बिल्कुल सेम ही है। मैंने यहाँ पे लोकेशन चूज कर लिया कौन सा पिक्चर, और फ्लावर की जगह यहाँ पे दे दिया मैंने फ्लावर 2 डाल दिया मैंने, आगे नंबर लगा दिया और यहाँ पे कर दिया मैंने सेव। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर फाइल में जा करके और यहाँ पर ओपन में जाता हूँ मैं। मैंने यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक किया और मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फ्लावर पहले वाली फाइल है और ये है फ्लावर 2। तो ये हमारा क्या है, ये हमने सेव किया है नए पेज के लिए क्या करते हैं सेव, और पुराने वाले पेज के लिए क्या करते हैं सेव एज। तब यहाँ पे हमारी दोनों फाइल है तो याद रखना। तो न्यू, ओपन, सेव, सेव एज मैंने आपको बता दिया। और आज मैं आपको बताता हूँ प्रिंट वाले ऑप्शन को, आज प्रिंट के बारे में बता देता हूँ आपको, प्रिंट का यूज कैसे करते हैं। ठीक है देखिए प्रिंट का काम होता है कि प्रिंट करना, जो भी हमने यहाँ पे काम किया हुआ है इसे प्रिंट करना। तो प्रिंट कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है फाइल पे क्लिक करना है और प्रिंट पे क्लिक कर देना है। प्रिंट करने का तरीका, जब आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पेज ओपन होगा एक नया से,
प्रिंट पैनल, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट प्रिंटर। मान लीजिए यहाँ पे इतने सारे नाम है, तो हम अपने कंप्यूटर में दो तीन प्रिंटर अटैच कर सकते हैं, जितने चाहे लगा सकते हैं, ठीक है, तीन चार। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये दो प्रिंटर है, एक है हमारा यहाँ पर ये ऊपर वाला कलर है और नीचे वाला कौन सा है, ब्लैक एंड वाइट। तो जब भी हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट पे क्लिक करने के बाद ये हमारा पेज ओपन हो गया, और फिर हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि प्रिंटर, कि कौन से प्रिंटर से प्रिंट करना है। मान लेते हैं कि हमारे कंप्यूटर से दो प्रिंटर सिलेक्टेड है, एक है हमारा कलर और एक हमारा ब्लैक एंड वाइट। तो फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, जिस प्रिंटर से प्रिंट करना पड़ता है उस पे हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो हमें करना है मान लीजिए ब्लैक एंड वाइट, तो मैंने नीचे ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉपी, कितनी कॉपी करनी है इसकी, तो मैं यहाँ पे देता हूँ जैसे मान लीजिए 3 कॉपी चाहिए मुझे, 3 टाइप कर दिया, और लास्ट में क्या करेंगे, प्रिंट। तो स्टेप याद रखना, प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंटर सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ कॉपी लेना है, और लास्ट में करके प्रिंट। और ये जो स्टेप यहाँ पे दिए हैं ना, रेंज, सिलेक्शन, पेजेज, ये मैं आपको एम एस वर्ड के अंदर दिखाऊंगा, क्योंकि इसके लिए हमें मल्टीपल पेज पे काम करना पड़ता है, जबकि ड्राइंग हमारा सिर्फ क्या होता है, एक ही पेज होता है, ठीक है, याद रखना। तो ये आपको समझ में आ गया, यहाँ पर फाइल के अंदर न्यू, ओपन, सेव, सेवेज और प्रिंट। और प्रिंट के अंदर यहाँ पे दो ऑप्शंस और हैं, आज मैं आपको ये करा देता हूँ प्रिंट वाले ऑप्शंस को, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू, देखिए हमने जो भी यहाँ पे काम किया हुआ है, तो प्रिंट करने के बाद ये कैसा हमारा दिखेगा, तो अभी तो हमें पता चलेगा नहीं, जब इसे हम प्रिंट करेंगे पेपर पे, फिर हमें प्रिंट होके आएगा, फिर हम चेक करेंगे हाँ ऐसा प्रिंट हमारा हुआ। लेकिन क्या होता है, कभी भी हम कोई भी चीज़ प्रिंट करते हैं ना कंप्यूटर में, तो प्रिंट करने से पहले हम चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रिंट होकर के कैसा आएगा। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे प्रिंट के सामने दिया हुआ, देखिए यहाँ प्रिंट पे क्लिक नहीं करना है, फाइल पे जा करके प्रिंट के सामने एक ऑप्शन दिया है प्रिंट प्रीव्यू। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखा देगा, ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू हमारा। तो ये हमारा प्रिंट प्रीव्यू ऐसा जैसा यहाँ पर दिख रहा है, सेम ऐसा ही हमारा पेज पे प्रिंट होके आएगा। हमेशा याद रखना, जैसा हमारा प्रिंट प्रीव्यू दिखाता है वैसा ही हमारा प्रिंट होके बाहर आता है पेपर पे। तो मैं फिलहाल इसे कर देता हूँ क्लोज प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने इसमें क्या किया, कलर डाल दिया। सपोज ये जो हमारा वाइट है, यहाँ पर मैंने कलर फिल कर दिया है ना, और अब मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ। जब मैं यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू देख रहा हूँ ना, तो देखना क्या होता है यहाँ पर, ये जो हमारा प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसमें साइड से यहाँ पे गैपिंग आ रही है, देखिए यहाँ पे ना स्पेस आ रहा है, ये जो हमारा स्पेस है इसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिंग। हमेशा याद रखना, इसे हम बोलते हैं मार्जिंग। जिस तरीके से आप कोई कॉपी या कॉपी पे या बुक में बुक ओपन करते हैं या कॉपी पे काम करते हैं, तो आपने देखा होगा साइड से 1 इंची का मार्जिंग होता है। कभी भी हम जो हमारा पेज है, मान लेते हैं ये जो हमारा पेज है कॉपी का पेज है, तो क्या हम यहाँ कोने से काम करते हैं, कोने से कभी काम नहीं करते, हमारा स्पेस होता है थोड़ा सा। तो जो कॉपी में स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिंग। ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर में भी यहाँ पे मार्जिंग लगा होता है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। जबकि मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे ड्राइंग में कहीं भी स्पेस नहीं दिया है, बिल्कुल एकदम सभी में कलर फिल है, लेकिन जब हम इसका प्रिंट भी चेक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मार्जिंग, ये देखिए। तो अगर हमें मार्जिंग कम ज़्यादा करना हो, हम चाहते हैं मार्जिंग हम अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ उसके लिए एक ऑप्शन होता है प्रिंट के सामने, प्रिंट प्रीव्यू तो समझ में आ गया आपको, प्रिंट समझ में आ गया, और ये दिया हुआ है पेज सेटअप, जो हमारा पेज का सेटिंग करने के लिए होता है कि मार्जिंग कितना चाहिए हमें, कौन से पेपर पे प्रिंट करना है, जो भी हमारा यहाँ पर ड्राइंग है। तो पेज सेटअप पे क्लिक कर दिया, तो ये हमारा एक ऑप्शन हो गया पेज सेटअप का, और आप यहाँ पर दे सकते हैं साइज में यहाँ पर लिखा हुआ है लेटर, ये हमारा पेपर साइज है। तो हम कभी भी जो प्रिंट करते हैं किस पे करते हैं, ओनली A4 साइज पे, ठीक है। एक नॉर्मल प्रिंटर से जो प्रिंट करते हैं किस पे करते हैं, A4 साइज, जैसे जो हम फोटोकॉपी करवाते हैं या किसी दुकान से जाकर के आप लोगों ने कभी प्रिंट करवाया होगा, तो साइज कौन सा होता है, वो A4। ऐसे और भी अलग अलग प्रिंटर्स होते हैं जिसमें साइज होता है, लेकिन ज़्यादातर हम जो भी प्रिंट करते हैं किस पे करते हैं, A4 पे। तो साइज A4 ले लिया, और ये दिया हुआ है मार्जिंग, आप यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये इंच में होता है, तो लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये चारों कोना दिया हुआ है पेज का। तो यहाँ पे 0.5 यानी कि 1/2 इंच है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया सब जगह 1, यहाँ भी 1 कर दिया, यहाँ भी 1, ठीक है, और यहाँ भी 1, और यहाँ भी कर दिया मैंने 1, और क्या कर दिया, ओके। तो यहाँ पे आपको नहीं दिखाएगा, जब इसका प्रिंट व्यू चेक करेंगे वहाँ पे आपको दिखाएगा। तो मैं इसका प्रिंट व्यू दिखाता हूँ आपको, ये देखिए
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा हाफ इंच था अब यहाँ पे कितना हो गया, एक इंच हो गया, मार्जिन हमारा डबल हो गया। तो देखिए आज का टॉपिक मेरा क्या था कि आज मैं आप लोगों को टूल्स बता दूँ, इसमें काम कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया, और फाइल के अंदर न्यू, ओपन, सेव, सेवेज, प्रिंट और प्रिंट व्यू और पेज सेटअप मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ, किसी को कोई डाउट है तो मैं दोबारा बता देता हूँ चीज़ को। और देखिए यहाँ पे जब मैं अनम्यूट पे क्लिक करता हूँ, अनम्यूट करता हूँ, तो आपको अपने फ़ोन से करना पड़ता है, फ़ोन से या मोबाइल से या कंप्यूटर से, जैसे भी आप सीख रहे हैं तो आपको खुद वहाँ से भी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। तो मैंने यहाँ पे अनम्यूट कर दिया और आप अपने पास कर सकते हैं। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। अच्छा मिटाने के लिए, ये हमारा इरेजर है, इरेजर से आप मिटा सकते हैं। आवाज हो ठीक है, ऐसे मिटा सकते हैं। अब पूरे को एक बार मिटाना होगा, पूरे को एक बार में, तो यहाँ पे जा करके सिलेक्ट ऑल और फिर इसी में जा करके नीचे दिया डिलीट का बटन, एक बार मिटाने के लिए। एक और चीज हम खेल रहे हैं, और पूछिए गेम को जो मैंने बताया अभी। जी सर जी, आप अभी क्यों नहीं हो क्या? हाँ जी अभी क्लास में अभी आए हैं। अच्छा आज का रिवीजन के लिए हाँ मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। और आप लोगों को समझ में आया जो जो अभी क्लास देखे हैं अभी? हाँ सर समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा से आ रहा है। हाँ तो मैंने आज को ये समझ सर, हाँ टूल्स मैंने पूरा बता दिया आपको, और फाइल के अंदर न्यू, ओपन, सेव, सेवेज और प्रिंट बता दिया। ठीक है, प्रिंट व्यू और पेज सेटअप भी मैंने बता दिया आपको आज का टॉपिक। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है आप पूछिए। हाँ आप पूछिए किसको क्या डाउट है, मैं बताता हूँ दोबारा से। चलिए कोई बात नहीं, मैं एक बार दोबारा से रिपीट करा देता हूँ थोड़ा थोड़ा करके। ये पेंसिल्स है ताकि आपको जिन्होंने सीख रखा है उनके लिए और अच्छी बात है, जिनको पूरा आता है और जिनको थोड़ा बहुत डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ये पेंसिल है, अरे यार आवाज़ बहुत आ रहा है। टीवी चलता है ना सामने किसी का, मैंने म्यूट कर दिया फिर आवाज आ रहा है। अरे किसका टीवी चल रहा है यार, किसका आवाज आ रहा है इतना? चलिए हो गया क्लियर। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से रिपीट करा देता हूँ। देखिए ये पेंसिल टूल है, पेंसिल से हम इसे हम ड्रैग कर सकते हैं, जो भी हम कलर यहाँ से लेंगे उस कलर में यहाँ पे हम ड्रैग कर सकते हैं। ये दिया हुआ साइज, मैं जल्दी जल्दी रिपीट करा देता हूँ दोबारा से आज की क्लास का, ताकि किसी को कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा। ये दिया इरेजर, आप इरेजर से इरेज कर सकते हैं, और इरेज को बड़ा छोटा करने के लिए इरेजर को कीबोर्ड में बटन होता है कंट्रोल प्लस से बड़ा, ऑलरेडी ये बिग साइज में है, और स्मॉल करने के लिए क्या करेंगे कंट्रोल माइनस, तो इरेजर को बड़ा छोटा कर सकते हैं कंट्रोल प्लस से कंट्रोल माइनस से। और जो जो मैंने आज बताया वो आप लोगों को सभी का नोट्स मैं आपको अभी कंप्यूटर ग्रुप में दे दूंगा। तो ये हो गया हमारा पेंसिल, ये हो गया इरेजर। तो अगर मुझे एक बार में सभी को मिटाना हो तो सिलेक्ट में जा करके सिलेक्ट ऑल और इसी में जा करके ये दिया डिलीट, एक बार मिटाने के लिए। ठीक है, मैं कुछ सेव बना लेता हूँ यहाँ पर, तो अगर किसी को कोई डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा दोबारा से। अभी एक का क्वेश्चन ये था कि सर मुझे दोबारा से शुरू से बता दीजिए, कोई बात नहीं मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बना लिया हमने, पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया, इसमें कलर फिल करना है हमें, तो ये दिया है फिल विद कलर, आप यहाँ पे कलर इस पर क्लिक करिए, यहाँ से कलर डिसाइड करिए कौन सा लेना है और यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, ये देखिए
मैंने यहाँ पर एक से ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है कलर पिकर, ये होता है कलर को पिक करने के लिए। मान लीजिए मुझे कलर मुझे यहाँ से नहीं लेना है, मुझे कलर क्या करना है इन्हीं शेप में से लेकर के मुझे इसमें फिल करना है, तो नीचे एक बटन दिया हुआ कलर पिकर, इस पर क्लिक करना है। अब आपको देखना है कि कौन सा कलर चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पर स्काई ब्लू, ले लिया और इसमें यहाँ पर क्लिक कर दिया। मुझे चाहिए रेड, तो मैंने यहाँ किया कलर पिकर, यहाँ से कलर डिसाइड किया, कलर लिया और यहाँ पे इसमें डाल दिया, ये कलर को पिक करता है। यहाँ पे मैंने ब्लैक पे क्लिक कर दिया, टैक्स होता है कीबोर्ड से काम करने के लिए, मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया और जो भी काम करना है कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ टाइप कर दिया कंप्यूटर, तो कीबोर्ड से कोई नाम वगैरह टाइप करना हो तो यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, टेक्स्ट टूल। ये दिया है मैग्नीफायर, इस पर क्लिक करके माउस में दो बटन है, एक लेफ्ट और एक राइट, तो लेफ्ट से आप बड़ा कर सकते हैं और राइट से छोटा कर सकते हैं, ठीक है। हेलो सर, ये जो आपने कंप्यूटर लिखा है तो ये थोड़ा बड़ा में दिखाई दे रहा है, जब मैंने अपने पीसी पे लिख रहा है तो वो छोटे में दिख रहा है, तो उसको कैसे बड़ा करेंगे? साइज बढ़ा लीजिए, साइज को बड़ा कीजिए। मैं दिखा देता हूं आपको, दिखा देता हूं, जैसे आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना, साइज बड़ा कर लो। देखो टेक्स्ट पे क्लिक करके, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और आपके में छोटा आ रहा है, कोई बात नहीं। मैं देखिए ये जो बॉर्डर है ना, ये वाला बॉर्डर, यहाँ पे कोने पे जाना, एरो आएगा, पहले इसको बड़ा कर लेना साइज बड़ा करने से पहले। और मान लीजिए आपके साइज छोटा आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे साइज दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे कर दिया 16 कर दिया। जैसे मान लीजिए छोटा आ रहा है काफ़ी, मुझे बड़ा साइज में लिखना है तो मैंने इसे हटा दिया, 16 की जगह आप यहाँ से कर दो, जैसे मैंने कर दिया 48। आप देखिए, तो मैं जो भी टाइप करूँगा आप बड़े में आएगा, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मैग्नीफायर। ब्रूस आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ जैसे शेप तो समझ में आ गया सारा शेप, ये ब्रूस है। मैंने यहाँ पे ले लिया कोई भी एक सर्कल और यहाँ पे ले लिया ब्रूस और मैंने यहाँ पे कलर ले लिया। तो ब्रूस से क्या होता है ना, ब्रूस जब भी यूज करेंगे ना तो यहाँ पे साइज बड़ा कर लेना पहले इसका, तो कलर इस तरीके से डालने के लिए होता है। ये देखिए, ऐसे कोई इफेक्ट और डालना हो तो ये होता है ब्रूस वगैरह। तो शेप आ गया, ब्रूस आ गया, ये मैंने आपको बता दिया। क्रॉप मतलब होता है काटने के लिए, हमारे पास इतने सारे शेप है, मुझे यहाँ पे सिर्फ ये चाहिए, स्टार चाहिए, तो इनका यूज करने के लिए ये तीन ऑप्शंस, पहले हमें क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट, तो मैंने कर दिया यहाँ पे इसे सिलेक्ट ऐसे और यहाँ से कर दिया क्रॉप, तो ये हमारा कट के आ गया। दोबारा से बैक आना है तो अंडू करते हैं यहाँ से, ठीक है। रीसाइज में तो छोटा बड़ा करना, मान लेते कि ये शेप काफ़ी बड़ा है, इसे छोटा करना है, तो मैं यहाँ पे गया, इसे कर दिया सिलेक्ट और रीसाइज में जा करके, और देखिए यहाँ पे दिया है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल इसकी चौड़ाई होती है और वर्टिकल इसकी लंबाई, ये विड्थ और ये हाइट, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 50%, ठीक है, दोनों ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और क्या करती है मैंने, ओके, तो छोटा बड़ा करने के लिए क्या करते हैं हम, रीसाइज का यूज करते हैं। रोटेट क्या होता है, घुमाने के लिए। मैं यहाँ पे दोबारा अंडू कर देता हूँ तो ये हमारा दोबारा से वैसे हो जाएगा जैसे पहले था। रोटेट से आप किसी भी शेप को घुमा सकते हैं, मूविंग कर सकते हैं, जैसे मैं इस वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे किया रेक्टेंगुलर और ऐसे ऐसे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, रोटेट में जा करके, ये देखिए। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, शेप घूमेगा ऐसे, तो आपको ये समझ में आ गया। कट कॉपी पेस्ट है, इसका यूज करते हैं हम कट और पेस्ट। मैं पहले इस सभी को हटा देता हूँ, एक बार में सभी को डिलीट करना है, तो यहाँ जा करके सिलेक्ट ऑल और फिर इसी में जा करके यहाँ पे डिलीट। अगर किसी को कोई समझ में आ गया होगा तो अपने कंप्यूटर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये तो अभी जो लास्ट में चलता है उनके लिए होता है कि जैसे किसी को समझ में नहीं आया तो अपना दोबारा पूछ लेते हैं, तो मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं क्या बताता, हाँ, एक बार डिलीट कर दिया ना, अब मैं बताता हूँ आपको कट कॉपी और पेस्ट है। जैसे शेप है, मैंने इसमें कलर डाल दिया, इस शेप को मुझे यहाँ से हटा करके यहाँ लाना है सपोज, तो क्या करेंगे, पहले सिलेक्ट, जैसे इन तीन ऑप्शन का यूज करने के लिए क्या करते हैं, सिलेक्ट, वैसे ही इनको भी यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट, तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। देखो कट होता है मूविंग करने के लिए, मैं यहाँ से कट कर दूंगा तो यहाँ से हट जाएगा शेप, और पेस्ट करने के बाद आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, ये देखिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने इसको यहाँ ले आया, मैं चाहता हूँ कि ये जो शेप है यहाँ भी हो और यहाँ भी हो, तो क्या करेंगे, दोबारा से इसे सिलेक्ट करेंगे और डुप्लीकेट करने के लिए क्या करते हैं, कॉपी और पेस्ट, तो ये हमारा कॉपी हो गया।
मुझे और भी कॉपी चाहिए तो बार बार हमें कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप पेस्ट कर दो ये आपको दोबारा आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए अगर किसी को न्यू ओपन सेव सेव समझ में नहीं आया हुआ है तो मैं अभी कंप्यूटर ग्रुप में एक इसका लिंक दे देता हूँ, ऐसे आज तो क्लास 7:20 हो चुका है, ठीक है। तो जो कोशिश करिए कि टाइम पे आने के लिए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो अपना जो, ठीक है। तो मैंने टूल्स बता दिया और ये जो दिया हुआ है इसका पूरे का टॉपिक मैं आपको अभी कंप्यूटर ग्रुप में दे देता हूँ एक लिंक, उसे आप देख लेंगे तो ये पूरा समझ में आ जाएगा। पेंट का ये है, काफ़ी पेंट में मैंने समझा रखा है। बाकी और किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं मेरे से। क्लियर है ना? आज का काम क्या है आपका मैं बता देता हूँ। काम आपको डेली मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप लोग आराम करोगे, मैं आराम करने नहीं देता किसी को भी, ठीक है। काम आपको डेली मिलेगा, एक आपको कंप्यूटर का ड्राइंग बनाना है पहला, दूसरा एक आपको बनाना है होम का, ठीक है, और एक बनाना आपको फ्लावर जो मैंने आपको बताया है। खराब बने कैसा ही बने आपको जैसा जैसा भी बने आपको बना करके मुझे व्हाट्सअप करना है और मैं आपको बताऊंगा कि वो आपने सही बनाया या क्या क्या गलती किया बताऊंगा मैं आपको। ये काम है आपके पास घर का, कंप्यूटर का ड्राइंग, होम का ड्राइंग, एक घर बनाना नॉर्मल सा, ठीक है, और एक फ्लावर, ये काम है आपका। दूसरा काम क्या है जो मैंने आपको आज बताया हुआ है इन सभी का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और किसी कोई डाउट होता है मेरे को आप व्हाट्सअप करेंगे तो उसके बारे में आपको पूरे अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और जो भी हेल्प आपको चाहिए मेरे से आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। तो एक बार मैं अनम्यूट कर देता हूँ और आज की क्लास यहीं तक एंड करेंगे। सर इसका वीडियो नहीं मिलेगा क्या? हाँ वीडियो मिल जाएगा आपको, ये जो आज जो कल भी मैंने डेमो बताया था ना डेमो, और आज जो क्लास हुई है ये आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको, टेक्निकल कंप्यूटर क्लासेस चैनल पर, ठीक है। हाँ ये वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट। ये जो प्रैक्टिकल ये भी मिलेगा ना सर? हाँ जो प्रैक्टिकल करा रहे हो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? टेक्निकल कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पीडीएफ सर जी। हाँ पीडीएफ अभी कंप्यूटर ग्रुप में, कंप्यूटर ग्रुप में मिल जाएगा पीडीएफ नोट्स, ओके गुड नाइट। गुड नाइट।